जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों आपके लिए? अरे बहुत शानदार भर्ती है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। राजस्थान चिकित्सा में, यानी कि चिकित्सा विभाग में सरकारी अस्पताल होते हैं अपने, उनमें आपको ड्यूटी दी जाएगी साथियों। खुद की तहसील में नौकरी करने का मौका, संविदा पे भर्ती है साथियों, यूटीबी के माध्यम से भर्ती है, ठीक है ना दोस्तों। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, वेतन क्या है, कौन सा पद है, कितने पद हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार में। तो चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों, यानी कि ऑफलाइन आपको ऑफलाइन तरीके से या तो आप डाक के द्वारा भेज सकते हैं या खुद जा करके जमा करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखो ये जो नौकरी है यूटीबी संविदा भर्ती है, सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, कौन से जिले की भर्ती, क्योंकि फिर आप कमेंट करते हो कि सर आप तो यूज लेने के चक्कर में हो, आप बताते ही नहीं हो कि सर कौन से जिले की भर्ती है। अरे ठीक है साथियों, हम यूज लेने के चक्कर में नहीं है दोस्तों, हम आपका विश्वास जीतने के चक्कर में है, क्योंकि यूज कब तक लेंगे हम बताओ आप ही। इसलिए दोस्तों ये आप बोल रहे थे कि सर यहाँ ऊपर लिख दिया करो जो भर्ती हो, तो अरे ऊपर की तो छोड़ो तुम दोस्त, हम सीधा थंबनेल पर ही लिख देंगे कि ये जो यूटीबी की भर्ती है ना, ये हनुमानगढ़ की है साथियों। थंबनेल पे ही मिलेगा आपको हनुमानगढ़। और आज के बाद जो भी यूटीबी की भर्ती आएगी, जिले वाइज आएगी, उसका जिले का नाम मिलेगा। राजस्थान में आंगनबाड़ी की निकलती है, जिले का नाम लिखते हैं हम बाकायदा, आपको भ्रमित नहीं करते हैं, आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालते हैं कि भाई एक जैसे थंबनेल है, अब कौन सी को दबाएं, गुस्सा आएगा फिर आपको, अरे यार कौन सी को दबाएं, कौन सी है हमारे जिले की। आपके लिए बहुत आसान कर रहे हैं साथियों, जिले का नाम सीधा लिखेंगे, जिसको देखना है तुरंत दबाइए, ठीक है साथियों। अस्थायी नौकरी है यूटीबी की, जो भर्ती निकलती है अस्थायी होती है, आपको भी पता है एक साल के लिए होती है, जैसे ही एक साल पूरी होगी हटा भी दिया जाए, आपको हटा भी सकते हैं। अगर काम अच्छा कर रहे हो तो दो साल तीन साल आपको रख सकते हैं, उसके बाद हटना तो है ही। राज्य हो जाओगे अरे साहब मौज होगी, लगा परमानेंट होगा, अब तो साहब मौज होगी, बस गैल छूटगी ना, गैल गैल छूटगी भाई, हटाएंगे आपको, ठीक है ना, परमानेंट नहीं हो तुम। अब देखो इसमें डाक द्वारा भेजो तो भेजो, वरना जिले वाइज होती है। हनुमानगढ़ के जो भी महिला पुरुष हैं फॉर्म भरना चाहते हैं, एएनएम जीएनएम की भर्ती है, तो आप खुद ही चले जाओ। कहाँ जाना है देखो, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला परिषद के पीछे, स्वास्थ्य भवन हनुमानगढ़, यहाँ जाना है, इस लोकेशन पर जाना है, 8 अगस्त से पहले जाना है। अगर 8 अगस्त को भी पहुंच जाओगे तो शाम के 6 बजे से पहले जाना, दिन ढलने के पहले जाना, शाम होने से पहले जाना, शाम को 6 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाओ और अपना लिफाफा जमा करा के आओ। लिफाफे में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका फॉर्म होना चाहिए उसमें। फॉर्म कहाँ मिलेगा सर, फॉर्म की लिंक यहाँ है। अगर यहाँ भी नहीं मिले तो फिर आपको क्या करना है, देखो लिंक बता दूं, hanumangarh.rajasthan.gov.in, इस लिंक पे जाना है, फॉर्म मिल जाएगा आपको। नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ई मित्र की दुकान पे चले जाना और उसको बोल देना कि भाई यूटीबी की जो संविदा भर्ती निकलती है, यूटीबी की भर्ती निकलती है ना अस्पतालों में, उसका एक फॉर्म दे दो हमें, किसी भी जिले का हो, उस जिले जैसे मान लो कोई भी जिले का फॉर्म है, उस जिले को नाम को हटाओ और उस पर हनुमानगढ़ का नाम लिखवा लो, वही चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। सारे फॉर्म एक जैसे ही रहते हैं, बस जिले का नाम अलग अलग रहता है, ठीक है ना साथियों। और इसमें जो ये है, ये तुम्हारा परिषद के पीछे स्वास्थ्य भवन हनुमानगढ़, ये इस एड्रेस पे आपको लिख करके भेजना होगा, लिफाफे पे लिखना है ये तो बस, ठीक है। उसमें फोटो फाटो चिपका करके सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी लगा के और यहाँ भेज देना। क्या क्या लगेंगे, 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा, आधार, जनाधार, मूल जाति, दो फोटो तुम्हारी उसमें डाल देना, ठीक है, लिफाफे में भी डाल देना दो फोटो, और तुम्हारी ये जो भी है सारी की सारी डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी करवाओ, फॉर्म को लो और उसमें लिफाफे में पैक करो, फोटो कॉपी पे खुद के हस्ताक्षर करो और इस पते पर दे करके आओ, जमा करवा के आओ खुद जाके। अच्छा जी,
एज क्या रहेगी साहब, 18 से 40 साल रहती है। एएनएम जीएनएम में कोई भी भर्ती हो चाहे, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एससी एसटी ओबीसी एमबीसी डब्ल्यूएस की महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट मिलती है। जी हाँ, राजस्थान की जो भी महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है, यानी कि वो 50 साल की भी उम्र है तो भी फॉर्म भर सकती है, कोई समस्या नहीं है। चयन कैसे होगा, बिना परीक्षा है भाई, तो चयन आपका कैसे होगा? चयन आपका होगा जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसका 70% और अनुभव बोनस है तो 30% उसके जुड़ेंगे। अनुभव बोनस कहाँ मिलेगा सर, कैसे बढ़? अरे भाई, आपने कोई सरकारी अस्पताल में काम किया होगा, कोविड-19 के समय किया हो, कैसे भी किया हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगी हो, वैसे भी किया हो, एक साल दो साल जो भी, उस अस्पताल में जाना है, अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लाना है, 30% की छूट पाना है, ठीक है। उसमें आपके 30% नंबर जुड़ते हैं और इन दोनों से ही आपका मेरिट बनेगा और इसी से सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। फिर आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा सबसे पहले तो, कि भाई आपका वो जो इंटरव्यू है वो होगा। इंटरव्यू होगा क्या सर, अरे इंटरव्यू कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तुम्हारे, वहाँ पूछे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, देखे जाते हैं ओरिजिनल। तो पहले शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर मैसेज आ जाएगा। मैसेज कहाँ आएगा जी, अरे तुम्हारे पास आ जाएगा, फोन नंबर जो दोगे ना उस पर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तब, और सबकी दो दो फोटोकॉपी करवा के ले जाना है, दो सेट बनवा के ले जाना है आपको, दो दो फोटोकॉपी करवाओ सभी की, ठीक है साहब। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी सबकी दो दो फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके जाओ। पद क्या है, कितने पद हैं, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सभी बताते हैं। पद एएनएम जीएनएम के हैं, एएनएम को बोलते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके हनुमानगढ़ में 11 पद हैं। योग्यता एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस में आरएनसी राजस्थान नर्स काउंसलिंग में आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग में। वेतन क्या रहेगा जी, अरे बढ़िया है, 26,300 है, बहुत शानदार वेतन है, लेकिन नौकरी संविदा की है। जीएनएम का भी पद है, नर्सिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, 39 पद हैं हनुमानगढ़ में, जिसमें जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 37,800 रुपए का वेतन मिलेगा, तनख्वाह भी बहुत बढ़िया मिलगी थाने, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है जी। जिले वाइज नौकरी होती है। ड्यूटी क्या है भाई, एएनएम जीएनएम की ड्यूटी क्या रहती है, अपने सीएचसी होते हैं हर तहसील में, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं कि नहीं होते हैं, सरकारी अस्पताल उनमें आपकी ड्यूटी रहेगी। आपके तहसील में भी दे सकते हैं कि भाई नज़दीक रखा ना कि कहीं कर ले, अपने टाइम से आवे टाइम से चली जाए, बहुत बढ़िया शानदार। महिला पुरुष दोनों के लिए है भाई, जीएनएम में महिला पुरुष दोनों करते हैं, एएनएम में महिला ही करती है, समझ रहे हो, तो इसमें दोनों ही फॉर्म लगा सकते हैं। ड्यूटी क्या रहेगी भाई, जीएनएम की ड्यूटी क्या रहती है, नर्सिंग ऑफिसर भाई, जो मरीज भर्ती होते हैं वार्डों में अपने सरकारी अस्पताल में, तो मरीजों का जो वार्ड रहता है उसमें एक उनका कमरा रहता है, रूम रहता है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं कौन मरीज आया है, किसको भर्ती किया है, कब भर्ती किया है, कब छुट्टी दी है, ये सारा रिकॉर्ड रहता है, रजिस्टर रहते हैं इनके पास, समझ रहे हो। दवाई वगैरह भी इन्हीं के पास रहती है, बोतल वगैरह सब कुछ इन्हीं, कैनूला वैनूला इन्हीं के पास रहता है, यही फिर उनको देती है। फिर एएनएम की ड्यूटी क्या रहती है, एएनएम भाई संभालती है, समझ रहे हो, बोतल बातल चढ़ाती है, कैनूला वैनूला लगाती है, सुईसाई इंजेक्शन वगैरह लगाती है मरीजों के, दवाई वगैरह समझाती है, ये सुबह लेनी है, शाम लेनी है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये काम रहता है, देखते हो तुम सब, जानते हो, ठीक है साथियों। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी, अच्छे से समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ, तो अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक तो करते जाओ और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियाँ आपके साथ शेयर की जाती हैं एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ सके और आप कहीं पर कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।